अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं गपशप टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूं वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं 9th 10th के, उनका जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, उसमें आपके स्मार्ट सिलेबस के अलावा कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं और आप लोगों का पेपर बन चुका है। और जो चीज़ें ऐड की गई हैं, मैं आज वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो चीज़ें ऐड की गई हैं उसको अच्छे तरीके से याद कर लें। क्यों? चूँकि वो चीज़ें पहले आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं थी, अब वो आपके स्मार्ट सिलेबस में ऐड कर दी गई हैं और आपका पेपर बन चुका है। तो 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका इंग्लिश का जो पेपर है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और इससे पहले जो बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज़ है, जो इस चीज़ के बारे में इसका प्रूव है कि हाँ, वाकई चेंज हुई हैं ये चीज़ें, कुछ थोड़ी सी एडिशन की है, उसका मैं आपको पहले सबसे पहले प्रूफ दिखाता हूँ, कि ताकि आपको ये ना लगे कि ये कोई फेक न्यूज़ है। सबसे पहले वो प्रूफ दिखाता हूँ, फिर आपको बोर्ड का पैटर्न मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से वो चीज़ें ऐड हुई हैं और क्या क्या चीज़ आगे आपने और मज़ीद पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले वो प्रेस रिलीज़ दिखाता हूँ और उसके बाद आपको पेपर का पैटर्न दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से ये इन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की है। ये देखें, इन्होंने ये साफ़ साफ़ लिखा है, जुमला मतलकीन को आगाह किया जाता है कि मैट्रिक नहम दहम सालाना इम्तहान 2021 के मजमून अंग्रेज़ी का पर्चा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जारी करदा ALP के मुताबिक तैयार करवा दिया गया है, जिसमें कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि ALP का हिस्सा ना हैं, यानी कि जो आपको स्मार्ट सिलेबस दिया गया उसमें नहीं है, कुछ ऐसे सवाल भी इसमें दिए हुए हैं। इस सिलसिले में लाहौर बोर्ड ने अपनी वेबसाइट, ये जो 22lahore.com पर सवालात के हिसाब से गाइडलाइन के तौर पर अंग्रेज़ी के पर्चे का नमूना अपलोड कर दिया है। तमाम इदारा जात साजा कराम वालदैन और तलबा व तालबात मुलाहिजा फरमा लें कि इस नमूने के मुताबिक 2021 का इम्तहान लिया जाएगा। ये देखें, ये इनकी प्रेस रिलीज़ है, बाकायदा स्टैम्प है, सिग्नेचर है। जी फ्रेंड्स, तो ये आपके सामने 9th क्लास का ऑब्जेक्टिव पेपर आ गया। ये पेपर पैटर्न है, सैम्पल पेपर है। इसमें जो ग्रे कलर के बॉक्सेस हैं ना, ये वो चीज़ें हैं जो आपके ALP स्मार्ट सिलेबस में नहीं थी और ये बाद में ऐड की गई हैं और ये आपके पेपर में इंक्लूड हैं। तो आपने ये जो ग्रे कलर के बॉक्सेस हैं, इन पे फोकस करना है, इन चीज़ों को याद करना, क्योंकि ये बाद में अब ऐड हुई हैं और आपके ये पेपर में शामिल हैं, क्योंकि आप लोगों का पेपर बना दिया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, सैम्पल पेपर है। अब ये 9th क्लास का आ गया सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव में भी उसी तरह से ही ग्रे बॉक्सेस हैं, यानी ये चीज़ें आपके स्मार्ट सिलेबस में ऐड पहले नहीं थी, अब ऐड कर दी गई हैं और ये आपके सब्जेक्टिव में भी कुछ पोर्शन है जो ऐड किया गया और आपने अब याद करना है। लिहाजा आपने ये जो ग्रे कलर के बॉक्सेस हैं, इन पर फोकस करना है। अब ये आ गया 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव पेपर। इसमें भी इसी तरह ये जो ग्रे कलर के बॉक्सेस हैं, ये चीज़ें बाद में अब ऐड हुई हैं और आपने याद करनी है। अब ये आ गया सब्जेक्टिव पेपर। इसमें भी उसी तरह या सिमिलरली जो ग्रे बॉक्सेस हैं, इनमें कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं जो आपने सब्जेक्टिव में भी याद करनी है, 10th क्लास वालों ने भी। जी तो फ्रेंड्स, आपने पेपर का पैटर्न भी देखा, प्रेस रिलीज़ भी देखी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो, ये चीज़ फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक फैलाएं, ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले जो बच्चे हैं, इस चीज़ की अच्छे तरीके से तैयारी कर लें और अच्छे मार्क्स के साथ पास हों। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक अपने दोस्त मोहम्मद फैसल को इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।